यदि आप अपने घर को ताला लगाकर कहीं घूमने या फिर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान हो जाए। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में ऐसे चोर सक्रिय हो गए हैं जो ताला लगे मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं और आपकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को पल भर में चोरी करके ले उड़ेंगे। जी हाँ, राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही चोरी का मामला सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार इलाके की प्रताप नगर कॉलोनी में रहने वाले दीनानाथ गहलोत अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक दिन पहले पूरा परिवार खाटू श्याम के दर्शन करने गया हुआ था और पीछे से इनके घर चोरी हो गई। हमने देखा आज पड़ोस की सबकी कुंडी बंद थी, हमने एक दूसरे से अपनी अपनी कुंडी खुलवाई और यहाँ देखा तो ताला टूटा पड़ा था, गेट हल्के से खुले हुए थे, अंदर से पूरी चोरी हुई थी। फिर हमने पुलिस को फोन करा, तब पुलिस आई, पुलिस के आने के बाद अंदर देखा तो सारा अलमारी टूटी हुई है, बेड टूटा हुआ है, बेड खोल रखा था, सारा सामान तहस नहस कर रखा था चोरों ने। कितने की चोरी हुई होगी लगभग, आपके अंदाजा जो कहता है? आइडिया हम नहीं बता सकते क्योंकि हम पड़ोसी हैं, फिर भी तकरीबन 15-16 लाख रुपए की हो गई होगी। ज्वेलरी गई है, कैश गया है? ज्वेलरी भी होगी और कैश भी होगा इनका। अच्छा, घर से सही थे। और ये लोग कहाँ गए हुए थे? ये मथुरा गए हुए थे, ये कल शाम मथुरा गए थे और रात में इनके यहाँ चोरी हुई। पूरा परिवार मथुरा गया था? मथुरा गया था, ताला लगा हुआ था आगे से। बीती रात चोरों ने इनके घर का ताला तोड़ा और 3 लाख रुपए कैश, 15 तोले सोने समेत कई कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि नकली ज्वेलरी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और असली ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। यही नहीं, चोरों ने आसपास के मकानों के बाहर से कुंडी भी लगा दी, जिसके चलते स्थानीय पड़ोसियों ने एक दूसरे को फोन करके घरों की कुंडी खुलवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली।